हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी प्लस आवर न्यू चैनल। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है उसको हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा इजी वे में। सो यहाँ पे अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ये बटन को प्रेस करके, और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलता रहे। और यहाँ पे वीडियो में शुरू करूंगा पॉलीनोमियल्स, यानी कि चैप्टर नंबर सेकंड जो आपका एनसीईआरटी सिलेबस का है क्लास नाइन्थ का, उसको मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, लेकिन पॉलीनोमियल समझने से पहले मैं आपको एक टर्म एक्सप्लेन करना चाहूंगा जिसका नाम है कॉन्स्टेंट्स। आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टेंट्स क्या है और वेरिएबल क्या है। वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, एंड इसके बाद ये दोनों समझ में आ जाते हैं तो हम देखेंगे टर्म्स। और ये तीनों को समझने के बाद आपको पॉलीनोमियल बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आई बेट। नाउ कांस्टेंट की बात करते हैं, तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू पहले से ही डिफाइंड है। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना वन, तो ये वन एक तरह का सिंबल है, लेकिन बचपन से ही सिखाया जा रहा है वन 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 ऐसा दिखता है, और वन की वैल्यू भी वन ही है। जैसे अगर टू की बात करें तो टू की भी स्पेसिफिक वैल्यू है कि टू, तो ये क्या कॉन्स्टेंट है। अगर कोई बोलेगा कि टू की वैल्यू ये नहीं है, टू मतलब थ्री, ऐसा नहीं, वैल्यू नहीं बदलने वाली है, इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगी। जैसे कि मान लो अगर हंड्रेड की बात करें तो हंड्रेड की वैल्यू हंड्रेड ही रहेगी, वो बदलने वाली नहीं है, वो नहीं बदलेगी। ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट्स। ऐसे सिंबल्स को हम कॉन्स्टेंट कहते हैं। जो हम डेली लाइफ में नंबर्स यूज करते हैं वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अब ये नंबर्स में आ जाते हैं, जैसे कि आप अगर एग्जांपल के तौर पे देख लो पाई आ जाएगा, जैसे 3/2 जो फ्रैक्शन में नंबर्स आते हैं वो भी कॉन्स्टेंट्स ही है, लेकिन उनकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू है। तो कॉन्स्टेंट मतलब क्या, कि जिसकी कोई फिक्स वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होने वाली है। नाउ आते हैं वेरिएबल्स पे। जनरली आपने बचपन से ही ये चीज देखी होगी, लाइक एक मिथ होता है, मतलब वेरिएबल्स को देख के डर लग जाता है। वेरिएबल्स मतलब क्या, जनरली उसको हम बोलते हैं एक्स वाई ए बी सी। अब ये जो है ना, मैथ्स में कभी भी अल्फाबेट्स आ जाते हैं ना, तो जनरली स्टूडेंट्स को डर लग जाता है, आप लोगों को डर लगता होगा शायद, लेकिन ये चीज क्या है, ये वेरिएबल्स है। वेरिएबल मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, बदलती रहेगी, फिक्स नहीं है, बदलती रहेगी। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल में वेरी करना, वेरी करना, वेरिएबल कहां से आता है, वेरी करने से आता है। वेरी करना मतलब चेंज होता रहता है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। पहला सम अगर सॉल्व कर रहे हो उसमें एक्स की वैल्यू टू है, अगर दूसरा सम सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू थ्री है। एक्स क्या है, वेरिएबल है। फर्स्ट सम में कोई और वैल्यू, सेकंड सम में कोई और वैल्यू, तो वेरिएबल्स क्या है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई पी क्यू ए बी सी डी अल्फाबेट जो भी हम यूज करते हैं वो वेरिएबल। नाउ आर देयर टर्म्स, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स। टर्म्स में जनरली अगर पॉलीनोमियल चैप्टर की बात करें तो टर्म क्या होता है, टर्म जनरली दो ब्लॉक का होता है। मैं इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप ध्यान दे देना। दो ब्लॉक होते हैं, उसको मिला के एक टर्म बनता है। अब ये दो ब्लॉक किसके लिए है, एक ब्लॉक है वेरिएबल के लिए और दूसरा ब्लॉक है कांस्टेंट के लिए। आपने जनरली आपकी बुक्स में देखा होगा ना 2x 3x 4xy। अब इसमें नोटिस करो, ध्यान से नोटिस करो, तो ये क्या है, दो पार्ट में, एक है वेरिएबल वाला पार्ट, दूसरा है कांस्टेंट वाला पार्ट। ये वेरिएबल वाला पार्ट, ये कांस्टेंट वाला पार्ट, ये कांस्टेंट वाला पार्ट और ये वेरिएबल का पार्ट। तो ये दोनों टर्म्स को मिला के क्या बनता है, एक टर्म बनता है। ये दोनों को मिला के ये क्या बन गया, एक हमारा टर्म बन गया। ठीक है, तो टर्म क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल का जो आप कहो प्रोडक्ट कहो मल्टीप्लिकेशन कहो। ठीक है, चलो यहां पे टर्म तो समझ में आ गया, लेकिन चलो नहीं समझ में आया होगा तो भी आगे हम एग्जांपल्स बहुत देखने वाले हैं तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स गो फॉर पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉलीनोमियल क्या है, बहुत सारे टर्म्स को आप मिला दो प्लस या माइनस के साथ, उसको पॉलीनोमियल्स बोलते हैं। जैसे कि मेरे पास एक टर्म है, अब मैं आपको थोड़े टाइम के लिए टर्म्स को इस तरह से दिखाऊंगा। ठीक है, ये मेरे पास तीन टर्म्स है, आपको दिख रहा होगा ना, चलो यहां पे माइनस कर देते हैं। यहां पे कितनी टर्म्स है, तीन टर्म्स है। अब मैं इसमें वैल्यू पुट अप कर देता हूं, टू एक्स फाइव
x और 3y, सॉरी 3x रेस टू 1। ठीक है, यहां पे कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो के वीडियो पे ही बने रहना। सो अगर मैं आपको यही इक्वेशन को एक जनरल फॉर्म में दिखाऊं तो 2x क्यूब प्लस 5x माइनस 3, ये इक्वेशन ये जो है ये एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल बाद में देखेंगे, लेकिन ये पॉलिनोमियल बना कैसे। जनरली पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जो हमारे टर्म्स होते हैं, ये क्या एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, ये सारे टर्म्स मिला के एक पॉलिनोमियल क्रिएट करती है। अब अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल से थे, बाइनोमियल ट्राइनोमियल, वो सब मैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखो कि पॉलिनोमियल बनता कैसे है। बहुत सारे टर्म्स जो होती है उनको मिला के एक पॉलिनोमियल बनता है, मतलब सॉरी बहुत सारे टर्म्स को अगर आप प्लस या माइनस के साथ जोड़ दो तो हमें एक पॉलिनोमियल मिलता है। जैसे ये पॉलिनोमियल में क्या है, हमारे पास तीन टर्म्स है, अब ये तीनों टर्म्स को मिला के हमारा क्या बन रहा है, एक पॉलिनोमियल बन रहा है। अब पॉलिनोमियल की कुछ खासियत है वो आपको पता होनी चाहिए और उसका अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए। जनरली आप अगर अपनी बुक्स में एक अगर कोई भी पॉलिनोमियल देखोगे तो वो इस तरह से होगा, 2x² + 3x + 1। अब मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहां पर नंबर्स और जो इक्वेशंस है ना वो अच्छे से अरेंज किए हुए होने चाहिए। तो यहां पे भी अगर इक्वेशन में ध्यान से देखो ना, तो सबसे पहला जो टर्म है उसमें जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसका पावर क्या है, 2। दूसरा जो टर्म है उसमें जो वेरिएबल वाला पार्ट है x, उसका पावर यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स ये क्या है, 1। कभी भी आप अगर देखो x 2x, तो यहां पे x के ऊपर कोई भी चीज दी नहीं हुई, कोई भी पावर मेंशन नहीं किया हुआ है, तो उसका बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है, क्योंकि 2 टू द पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है। किसी का भी पावर 1 होगा तो आंसर वही आने वाला है, किसी का भी पावर 1 होगा तो आंसर वही आने वाला है, ये हमें पता है। तो यहां पे हम इसको मेंशन नहीं करेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, इसलिए आपको जनरली ये 1 दिखता नहीं है, ये 3x होता है। अब आप पूछोगे कि चलो सेकंड टर्म कहां गया, थर्ड सम में क्या है, यहां पे तो वेरिएबल होना चाहिए ना, अब वेरिएबल कहां गया। See, ये थोड़ा ट्रिकी है, यहां पे भी वेरिएबल प्रेजेंट है लेकिन हमें दिखता नहीं है। अगर आप नोटिस करो तो यहां पे पावर 2 है, फिर यहां पे पावर 1 है, और यहां पे नहीं है, दैट मींस इसका पावर क्या था, 0 था, दैट मींस 1x रेस टू 0। मैक्स का एक रूल है, अगर नहीं पता तो याद रख लेना, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका आंसर आता है 1। जैसे कि अगर मेरे पास 10,000 है लेकिन उसका पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। अगर मेरे पास है 2 raised to 0 तो उसका पावर आंसर आएगा 1। पावर 0 है तो आंसर आएगा 1। इसी तरह से यहां पे भी इस वेरिएबल का पावर 0 है, इसलिए इसकी जगह पे क्या आएगा, 1, और 1 into 1 हमें 1 ही मिलने वाला है, इसलिए यहां पे इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता है। और जनरली पॉलिनोमियल्स में आप अगर देखोगे तो कुछ चीजें हैं, कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि सबसे पहले आ जाता है डिग्री, फिर आ जाता है कोएफिशिएंट, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट, ये एक जरूरी पार्ट है, वो आप समझ लेना, ठीक है। और ये वीडियो के बाद मैं रेगुलर आपकी जो एक्सरसाइज है 2.1 2.2 वो 1 by 1 सारे सम सम सॉल्व करने वाले हैं। सो यहां पे देखते हैं कि ये जो पूरा पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कौन सी है। तो डिग्री कैसे पता लगानी है, डिग्री पता लगाने के लिए आपको पॉलिनोमियल को देखना है, और पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा पावर वाला वेरिएबल कहां है, सबसे ज्यादा पावर वाला वेरिएबल, यानी कि अगर आप देखो तो यहां पे वेरिएबल कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, दो जगह पे आ रहा है, एक यहां पे और एक यहां पे, यहां पे है उसको भूल जाओ, यहां पे और यहां पे वेरिएबल आ रहा है, और किसका ज्यादा पावर है, इसका ज्यादा पावर है, कितना है, 2। तो 2 है, दैट मींस यहां पे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है, मतलब दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है, यहां पे पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, x³ + 2x² + 3x - 1, ये बहुत बड़ा पॉलिनोमियल है, अगर नोटिस करो तो 3, 2, 1 और 0, 0 यानी 1 हो गया होगा, ठीक है, वो तो हमें पता ही है। अब इसका पावर क्या है, अब इसका पावर है 3, 2 और 1, यहां पे तीन वेरिएबल है और तीनों के अलग अलग पावर्स है, यानी 3, 2, 1। अब इसमें से डिग्री क्या होगी,
तो मैक्सिमम पावर जहां पे है वो ये पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। तो मैक्सिमम कहां पे है? यहां पे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहां पे क्या मिला? 3। कभी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे कि यहां पे आ जाता है 2x2y2। अब आप बोलोगे कि यहां पे तो ये दो दिए हुए, दो वेरिएबल दिए हुए और यहां पे इसकी डिग्री क्या होगी? तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसकी डिग्री पता लगानी है। तो ये पावर जो है और ये है, दोनों का प्लस करो तो क्या आता है? 4। तो यहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 4। अब आपका मैं बहुत सारे कंफ्यूजन है वो मैं दूर कर दूंगा। जैसे कि आपको ऐसा लगता होगा कि पॉलिनोमियल ऐसे ही बनता है, तो नहीं, पॉलिनोमियल ऐसे नहीं बनता है। सो यहां पे पॉलिनोमियल के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ज्यादा टर्म्स होंगी तो ही पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहां पे पॉलिनोमियल अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे कि एक आता है मोनोमियल आता है, जैसे कि अगर आपके पास सिर्फ एक टर्म है, जैसे कि 3x, ये एक ही टर्म है, इसके अलावा प्लस में कोई और टर्म नहीं है, माइनस में कोई और टर्म नहीं है, ये एक ही टर्म है। तो ये क्या है? ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल? मोनोमियल। मोनोमियल कहां से आया? मोनो मींस वन, मोनो मींस वन, एक टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है। और यहां पे इसकी डिग्री क्या है? 1। तो यहां पे इसको अगर डिग्री के फॉर्म में दिखाना हो तो इसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री पॉलिनोमियल। अब क्यों पॉलिनोमियल बोलेंगे वो अभी मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं यहां पे कि अब आगे कौन से आते हैं। तो चलो यहां पे आता है 3x³ - 5x² ये दो टर्म है, तो दो टर्म वाला कौन सा पॉलिनोमियल है उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। मतलब अगर आपको ऐसा पॉलिनोमियल दिख जाता है जिसमें सिर्फ दो ही टर्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। बाय मींस टू, याद रखना। उसके बाद हमारा बेसिक सा अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे वो आता है 2x² + 3x + 1। तो ये क्या है? ये ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब 3, और समझो अभी बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं, जैसे कि यहां पे आ जाता है 5x^4 प्लस 13x^3 प्लस 2x^5 एंड अप टू सोन, बहुत सारे टर्म्स है। तो अब हमारे पास गिनती नहीं है तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल, और पॉली मींस मैनी, पॉली मींस मैनी, यानी कि बहुत सारे टर्म्स बनाती है, बहुत सारे टर्म्स प्लस या माइनस में जुड़ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो अब इसका मतलब तो ये तो नहीं हुआ कि इसको ही सिर्फ पॉलिनोमियल बोलेंगे, इसको भी हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, इसको भी पॉलिनोमियल और इसको भी पोलोन। तो यहां पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल अगर आपको पूछा है, मेंशन करने को बोला है, तभी यूज करो, वरना जनरली इसको पॉलिनोमियल ही कहेंगे हम, मोनोमियल बाइनोमियल ऐसा नहीं कहेंगे। सो यहां पे इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। अब इसी तरह से ये जो है 3x³, यहां पे हम देख लेते हैं 3x³ - 5x², तो इसमें मैक्सिमम डिग्री कहां पे आती है? मैक्सिमम पावर कहां पे? तो यहां पे इसका पावर कितना है? 3 मतलब थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन मेरी मानो तो जब एक्सरसाइज शुरू होगी तो ये सारी चीजें प्रिसाइज वे में अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं जितना भी लिख रहा हूं आप नोट डाउन कर लीजिए, जैसे कि ये नोट डाउन कर लीजिए, और यहां पे मैंने आगे एग्जांपल भी दिए थे, तो वीडियो को बैक में जाके भी आप वो नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल कौन सा है ये रहा, तो इसके सामने आप लिख लीजिए अपनी बुक में, अच्छे से आप लिख सकते हो, वीडियो पॉज करके आराम से लिख लीजिए। देन आता है यहां पे ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में अगर आप देखो तो यहां पे मैक्सिमम डिग्री कौन सी है? 2। देखो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और डिग्री इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि यहां पे बाइनोमियल है तो उसमें सेकेंड डिग्री होगा, ऐसा जरूरी नहीं, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, यहां पे थर्ड डिग्री भी है, तो ये सब चीजों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ट्राइनोमियल में अगर आप देखो तो कितनी डिग्री है यहां पे? 2। मैक्सिमम यहां पे कितनी है? 2। तो ये 2 क्या बताता है? सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरह से अगर नीचे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे तब भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो डिग्री वाला पार्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डिग्री किसको बोलते हैं फाइनली। अब आता है कोएफिशिएंट, ये हमारा लास्ट टर्म है, उसके बाद मैं डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है।
अब कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने जनरली अभी तक के जितने भी ये बोर्ड पे मैंने अभी एग्जांपल सॉल्व किए उसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि कहीं पे भी वेरिएबल आता है ना उसके आगे पीछे कुछ ना कुछ आगे कोई नंबर होता है, जैसे कि 2x है तो वेरिएबल के आगे ये नंबर है, तो ये नंबर क्या है? कोएफिशिएंट है। ये नंबर क्या है? कोएफिशिएंट है, मतलब वेरिएबल के आगे कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में होगा, जैसे प्रोडक्ट में होगा, तो वो क्या है? उसका कोएफिशिएंट है। दैट मींस मैं आपको बता दूं कि 2 प्लस एक्स में 2 कोएफिशिएंट नहीं है, यहां पे अलग टर्म हो गई, जैसे कि ये x अलग टर्म है और ये 2 अलग टर्म है, लेकिन अगर आपको यहां पे 2x आता है तो यहां पे जो 2 है वो क्या है? कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में जुड़ा हुआ एक नंबर, सिंपल वे में। चलो तो यहां पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, उससे आपको समझा देता हूं। मेरे पास एक एग्जांपल है 3x² - 5x + 1। अब आपको पूछा जाएगा, जनरली क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ x, मुझे क्या बताओ? कोएफिशिएंट ऑफ x बताओ। कोएफिशिएंट ऑफ x पूछा है, x² नहीं पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ x। यहां पे कितने? x² भी है, x भी है, तो कोएफिशिएंट ऑफ क्या पूछा है? x। तो यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x को अंडरलाइन करो, उसके आगे मल्टीप्लिकेशन में क्या है? 5 है, लेकिन सिर्फ 5 नहीं है, उसके साथ माइनस की साइन भी है। यस एग्जैक्टली, साइन कंसिडर करना पड़ेगा आपको, साइन को भूलना नहीं है, ये बेसिक सी मिस्टेक है जो जनरली हर स्टूडेंट करता है, तो यहां पे साइन को ध्यान में रखना है। जैसे कि इसका x का कोएफिशिएंट क्या है? -5। अगर मुझे पूछा जाए कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो x² को अंडरलाइन करो, आगे क्या है? 3, तो यहां पे है 3, x² का कोएफिशिएंट है। तो कोएफिशिएंट हमारा जो अभी जो मैंने बताया था ना आपको, दो ब्लॉक बताए थे, उसमें एक पार्ट वेरिएबल का था, तो उसके आगे वाला जो पार्ट था वो कांस्टेंट का तो था ही, लेकिन उसको साथ साथ में क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। और जनरली आप जहां पे भी देखोगे तो कभी भी ऐसा नहीं लिखा हुआ होगा कि x5 नहीं लिखा हुआ होगा, लेकिन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि कोएफिशिएंट हमेशा आगे आएगा और बाद में वेरिएबल आएगा। और यहां पे कोएफिशिएंट जनरली होगा वो तो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं सारे क्लियर कर दूंगा एक्सरसाइज में, लेकिन ये वीडियो बेसिक वीडियो थी, इसको देखना बहुत जरूरी है अगर आपको पॉलीनोमियल समझना है अच्छे से। तो सो आई होप आपको वीडियो काम लगी होगी, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आई है तो, और अपने जो स्कूल फ्रेंड्स है, क्लासमेट्स है, उनके साथ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि मैं और भी आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूं। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन सा चैप्टर चाहते हो मैं अपलोड करूं। सो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।